हेलो। हाँ तो जितना रिएक्शन है ना सब निकालो, टोटल को छांट लो, एक जगह करो। हेलो। गैसियस लॉ, चलो चैप्टर का नाम ही है गैस का नियम, ये नाम है, इट इज गैस लॉ। इसमें इतने सारे नियम हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसाक, एवोगाड्रो, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण। पहले हम लोग बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसाक के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉयल्स के बारे में, चार्ल्स के बारे में और गेलुशाक के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री का ये पहला क्लास है और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किए हैं। प्यारे बच्चों, प्रेशर जानते हैं? दाब, किसी चीज को दबा देते हैं, वही ना दाब है। कुछ कुछ फॉर्मूला होगा जो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पीछे की कक्षाओं में। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल पढ़े हैं, दाब बराबर बल बटे क्या क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास बाय वॉल्यूम। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, पढ़े हैं ये सब कभी। प्रेशर, प्रेशर बोले तो दाब, वॉल्यूम बोले तो आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तापमान सुने हैं? तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है और सीजीएस मात्रक डिग्री सी होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। हम यहां आते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसाक लॉ। ये तीनों का जो नियम है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन है। ये तीनों का जो नियम है, ये किसका नियम है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन। तीनों का नियम किसका नियम है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, दाब बराबर हम बोले हैं बल बटा क्षेत्रफल, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा। यहां से अगर चला जी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है यानी रो इज इक्वल टू एम बाय भी है, यानी भी इज इक्वल टू एम बाय रो हो जाएगा। बोलिए, अब चला ये बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसाक का नियम बच्चों को याद भी नहीं रहता है और ना इसके न्यूमेरिकल्स बच्चे बना पाते हैं। ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल को कैसे बनाओगे, कैसे हम इसको कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज हम लोग देखेंगे एंड इसी से हम लोग सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। ये पी है, ये भी है एंड ये टी है। पी भी टी क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही ना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। पी भी टी, पी सी जी, पी भी टी, पी सी जी। एक्चुअल में अगर आप इसको ऐसे कहें, पी बी टी बी सी जी,
पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, बोलो हाँ या ना। प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बॉयल्स चार्ल्स एंड गेलुसन, बॉयल्स चार्ल्स एंड गेलुसन, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बॉयल्स चार्ल्स गेलुसन, बॉयल्स चार्ल्स गेलुसन, एनी डाउट? अब चला बॉयल्स चार्ल्स और क्या है गेलुसन, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये हो गया चला, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, बॉयल्स का नियम। ये हो गया चला चार्ल्स लॉ, ये हो गया गेलुसाक का नियम। तो जब इसमें इसमें संबंध होगा तो बॉयल्स लॉ, इसमें इसमें संबंध होगा तो चार्ल्स लॉ, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध होगा, आप दाब और टेम्परेचर में संबंध होगा गेलुसाक। दाब और आयतन में संबंध होगा, आयतन और ताप में संबंध होगा, दाब और ताप में संबंध होगा, और जब इसमें और इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा। किसी दो में संबंध होगा तो तीसरा कांस्टेंट होगा, ये दोनों में संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, ये दोनों में संबंध होगा ये कांस्टेंट होगा, ये दोनों में संबंध होगा ये कांस्टेंट होगा। चलो जुगाड़ है ना, तो ये नहीं पढ़ोगे लेकिन सवाल नहीं बना पाओगे। हम खाली बच्चों को कहते हैं भैया पीबीटी बीसीजी याद रखना है, और प्रेशर और वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और किसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं पर चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कहीं पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कहां डायरेक्टली होगा कहां इनवर्सली होगा ये कैसे पता चलेगा? तो चला ये पूरे साइंस का मामला है कि जहां भी टेम्परेचर आ जाएगा रिलेशनशिप में, क्या आ जाएगा, ताप आ जाएगा, रिलेशन सीधा रहेगा। कोई भी चीज चला गर्म होता है तो सीधा हो जाता है कि टेढ़ा रहता है? जैसे गर्म आएगा सीधा हो जाएगा। कोई भी चीज तुम गर्म करो, टेम्परेचर जैसे दोगे सीधा की उल्टा, तो तापमान अगर रिलेशनशिप में है, क्या रिलेशनशिप में है, ताप अगर रिलेशनशिप में है तो सीधा रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, एएलपी के क्लास की टाइमिंग जो फुल फाउंडेशन लिया, 3 से 5 है नॉन टेक और 5 से 6 में है टेक, 3 से 5 नॉन टेक, 5 से 6 टेक। अब देखिए चला क्या बोल रहे थे हम, आज से इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों लोगों का सेम कंबाइंड टॉपिक है, एक कटिंग टूल, वो स्टार्ट होगा और जो आज के अल्टरनेट में चलेगा वे हम बताएंगे। आज 5 बजे सबका क्लास होगा, इलेक्ट्रीशियन फिटर सबका। कहां थे हम, कहीं भी अगर रिलेशनशिप में टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन होगा, टेम्परेचर नहीं है तो उल्टा रिलेशन होगा। टेम्परेचर अगर है तो सीधा रिलेशन होगा, टेम्परेचर नहीं है तो उल्टा रिलेशन होगा। ये पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में लागू होता है, बोलो ना। तो चला इसमें पी और भी में रिलेशन है, तो टेम्परेचर नहीं ना है,
तो नहीं है तो उल्टा रिलेशन होगा कि सीधा, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज, यहां वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है तो सीधा रिलेशन और उल्टा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। यहां आएंगे चला था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन क्या इज कॉन्स्टेंट, V इज T क्या है दाब है, V क्या है आयतन है, T क्या है ताप है, P क्या है भी क्या है आयतन, टी क्या है ताप है, बोलन रे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है ना, तो पी और भी में रिलेशन होगा तो उल्टा रिलेशन होगा, भी और टी में रिलेशन होगा सीधा रिलेशन, और P और T में रिलेशन होगा सीधा होगा कि उल्टा, बुझा नहीं रहा होगा, बुझा रहा है, जहां जहां टेम्परेचर रिलेशनशिप में नहीं रहेगा तो वो उल्टा रिलेशन होगा, टेम्परेचर रहेगा रिलेशनशिप में सीधा रिलेशन, टेम्परेचर रहेगा रिलेशनशिप में सीधा रिलेशन, गर्माएगा तो सीधा हो जाए, मस्ता है, मारेंगे इतना मार छुट्टा, खाली उल्टे पुल्टा सोचेंगे। अब देखो, अब मामला क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, P बराबर K बाय V, P बराबर K बाई भी, बोलो रे P बराबर क्या होता है K बाई भी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है तो हम भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ओनली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इस इक्वेशन को हम भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड लाओ, पी भी बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी वन भी वन बराबर पी टू भी टू, अगर दो गैस के लिए लेंगे तो सब कांस्टेंट के बराबर, सब ना कांस्टेंट के बराबर है, बोलवे नहीं करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 वन बटा पी टू इज इक्वल टू भी टू बटा भी वन, देखो एक इक्वेशन भी वन बटा भी टू की भी टू बटा भी वन, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना तो P1 वन बटा पी टू बराबर भी टू बटा भी वन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो भी वन बटा भी टू बराबर टी वन बटा टी टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी वन बटा पी टू बराबर टी वन बटा टी टू, नहीं बुझा रहा है, थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है, बुझाएगा, कोई काम चला धीरे धीरे ही होता है, गड़बड़ा जाओगे तो गड़बड़ा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, इसको हम भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P भी लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, P बराबर K बाई भी हो जाएगा, इस भी को इधर ले आएंगे P भी बराबर K हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा, P1 भी वन बराबर पी टू भी टू बराबर K हो जाएगा, यहां से P1 बटा पी टू बराबर भी टू बटा भी वन हो जाएगा, यहां जब आते हैं चला जी हम
इसको हम लिख सकते हैं भी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए समानुपाती बी है ना, इसको हम लिख सकते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे आया ये, हम बताते हैं कैसे आया। मान लो a1 गैस के लिए इसको हम लिख सकते हैं k into b1, a2 गैस के लिए हम लिख सकते हैं k into b2, दोनों का भाग दे देंगे तो a1 by a2 बराबर b1 by b2। और अगर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 by a2 बराबर b2 by b1। हाँ या ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कैसे आया ही, तो a1 बराबर हम लिख सकते हैं समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कॉन्स्टेंट k/b1, a2 बराबर लिख सकते हैं k/b2। ये हो जाएगा a1 by a2 इज इक्वल टू b2 by b1। अरे बच्चों, अगर ये उल्टा है तो ये भी उल्टा होगा, यानी हम यहां से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 by a2। हाँ गलती हो गया, सॉरी, धीरे धीरे जा रहा है, दर्द हो रहा है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा समझ गए तब ना बुझाया गलती है। अरे तब तो यहां तुम डायरेक्ट लिख दोगे v1 by v2 बराबर t1 by t2। तो तुम यहां डायरेक्ट लिख दोगे p1 by p2 बराबर t। यहां क्या कॉन्स्टेंट है? सही है, देखो 60% चैप्टर खत्म। गुड एंड गेट द रिजल्ट, क्वेश्चन आप देखिएगा कट से आंसर लगेगा। 40% और बताना है, देखिए कैसे फिर हम बता देते हैं। बी भी टी बी सी है, बी फॉर बॉयल्स, Boyle's law is P is inversely proportional to V when temperature is constant. सही है, P1 by P2 बराबर V2 by V1। V is directly proportional to T. गेलुसा का नियम, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। न्यूमेरिकल बनाते टाइम ये भी नहीं याद रखना है, तो मन ही मन सोच रहा होगा कि लगता है अगर बढ़िया है इसीलिए बीच से शुरू कर दिया है, तो मन में बहुत सारा सवाल आएगा। अंतिम क्लास भी लेंगे ना तो उतने मजा आएगा, झोल झाल वाला धंधा नहीं है वो, तो हम सबसे आसान चैप्टर तो पहला था तत्व क्या है, ये सबसे भारी चैप्टर उठा के तरह पढ़ा रहे हैं। तत्व
तो यौगिक मिश्रण ऑलरेडी बच्चा सतवां आठवां नवां दसवां में पढ़ के आता है, वो पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन ये सब थोड़ा सा इग्नोर करके आता है बच्चा, तो यहां दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसका जुगाड़ है बहुत आसानी से आप सीख जाइएगा। अब मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिया, क्वेश्चन दिया फलना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फलना फलना बाल दे दिया और दे दिया दाब स्थिर रहेगा, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में चला टाइम लगता है, आ ऊपर से पीबीटी बीसीजी करते रह जाओगे, चल जाओगे हाथी के। बुझ रहा है, कैसे कहेगा दाब स्थिर ना, तो हम कह देंगे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, और टेम्परेचर में रिलेशन मतलब सीधा रिलेशन, और सीधा रिलेशन मतलब बी वन बटा बी टू बराबर टी वन बटा टी टू। न पी याद करेंगे, ना भी, ना टी, ना बी, ना सी, ना जी। बुझा रहे हैं, अगर क्वेश्चन कह दे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तीनों को चीजें है, एगो प्रेशर, एगो वॉल्यूम, एगो टेम्परेचर, कह दे टेम्परेचर कांस्टेंट तो कहना पी वन बटा पी टू इमिस तौर कभी नहीं होगा, आना तो एग्जाम में वन बटा टू, यहां कहेगा वन बटा टू की टू बटा वन। हम बोले टेम्परेचर नहीं रहेगा रिलेशनशिप में, उल्टा रिलेशन बोलो रे। और जब ये कह दिया प्रेशर कांस्टेंट मतलब भी और टी में रिलेशन होगा, टेम्परेचर है रिलेशन में भी वन बटा बी टू बराबर टी वन बटा। जब ये कह दिया वॉल्यूम कांस्टेंट तो कहना चला पी और टी में रिलेशन, तो पी और टी में रिलेशन पी वन बटा मीन बराबर टी वन बटा। बोलन रे, नहीं बुझा रहा है कि रे, बुझा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। एक मैथ की क्लास कल से है, ठीक है, बाबा इज बैक, जिसका जो टाइम है आपका अपने टाइम से होगा, 12 से 1 जिनका था 12 से 1 होगा, और 5 से 6 कब से होगा वो बाबा आएंगे तो बताएंगे। नए बैच वालों का भी 3 से 5 क्लास है, 3 से 4 रीजनिंग एंड 4 से 5 साइंस, ठीक है, 4 से 5 में साइंस। अब धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगी, पुराने वालों का तो अभी 5 घंटा चल रहा है ना, अब देखिए चला, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। वॉयल्स चचा को तो आप जान गए, वॉयल्स चचा का लॉ है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आप पी भी बराबर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी When temperature is constant, इसी को हम लिख सकते हैं P बराबर K by P, बोलो रे, इसको हम लिख सकते हैं P भी बराबर K, इसको हम लिख सकते हैं P1 भी वन बराबर बराबर K, इसको हम लिख सकते हैं P1 by P2 is equal to भी टू by भी वन। तुम लोग को लग रहा होगा ये मास्टर पागल है कि लग रहा है क्या रे, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मुंह में लाठी और ठूसेंगे। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, बोलो रे। यहां से हम पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय भी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
इसको हम लिख सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के जगह पर एम बाय रो लिख सकते हैं रे, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लिख सकते हैं रो को ऊपर लेके जाएंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एम जो है ये कांस्टेंट है, द्रव्यमान कभी बदलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एक और नियम हो गया बॉयल्स का कि दाब समानुपाती होता है घनत्व के जब तापमान क्या रहता है नियत, दाब समानुपाती होता है घनत्व के जब तापमान क्या रहता है नियत। तुम कहेगा नहीं समझे, तुझे तेरी मोहब्बत का पिटारा मिल गया होगा, ना 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 बॉयल्स चार्ल्स और गिलसा मूड खराब हो जाता है ना रे। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू बी डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी करेंगे तो रो ऊपर ना चल जाएगा, तो यहीं से आ जाएगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो व्हेन टेम्परेचर एज कांस्टेंट। यहां पे टेम्परेचर एज कांस्टेंट, यहां वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन प्रेशर एज कांस्टेंट। वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू टी वन बाय टी टू, यहां से लाएंगे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पी व्हेन क्या इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पी वन बाई पी टू बराबर टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट। थोड़ा 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 बुझा रहा है कि ना, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा, तो हम की करेंगे, हम पढ़ा दिए। अरे भाई अब इससे आसान नहीं हो सकता ये जो है ना, अब इससे आसान नहीं। अब तुम साफे पीछे कुकर्म करके आया है, वहां से सीधे हमारे क्लास में तौर लॉन्चिंग है, नहीं होगा। तुमको कम से कम छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, दाब क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, आयतन भी कोई चीज होता है, तापमान भी कोई चीज होता है, ये तुमको आना चाहिए। अब जैसे ही अगर आता है तो एकदम सिंपल ही सब नहीं हो, याद रहेगा। जैसे कहेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन, कहेंगे बी वन बटा बी टू बराबर टी वन बटा टी टू। कहेगा प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन, बी वन बटा पी टू बराबर टी वन बटा टी टू। कहेगा प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन, पी वन बटा पी टू बराबर वी टू बटा वी वन। अरे महिला बुझाया कि ना, दाढ़ी वाला नया एडमिशन है, पैसा दिया, चला। सिलेबस दिन ब दिन जनरल कंपटीशन का बढ़ले जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, लिमिट्स अनाधुन चला। अब जितना पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत चीज जोड़ जोड़ के हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। तो आप छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझिएगा तो जोड़ जोड़ के पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़िएगा। छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए। हम अगर कह दें कि ए समानुपाती बी है तो आप कह दीजिए ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू। हम कह दें डायरेक्टली है इसीलिए डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली होगा तो इनडायरेक्ट होगा। बोले ने बी टी बी जी को कहेगा बॉयल्स का नियम क्या है, हम कहेंगे ओ माय गॉड पी बी टी बी सी जी। बॉयल्स का नियम है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वी वन बटा वी टू बराबर वी टू बटा वी वन। कहीं नहीं बुझा रहा है,
आ रहा है पक्का। माय, अब जब न्यूमेरिकल देगा अंचला तो बहुत आसानी से बना देगा, सवाल देगा तब भी तो बहुत आसानी से बना देगा, खाली तुमको याद क्या रखना है। यहां आना है P1 बटे P2 बराबर अवेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, आप P1 बटे P2 बराबर P1 बटे P2 बराबर T1 नहीं बुझा रहा है आ? पक्का बोलो पीबीटी बी से जी 20 बार बोलो। एक सौ बार और बोलो। पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी। नए वाले बच्चों का बैच शेड्यूल है 3 से 5 नॉन टेक और 5 से 6 टेक। आज इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों की क्लास है। पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी पीबीटी बीसीजी। पी क्या है? अभी चला तो दुए प्रश्न बुझा कि ना, अब बाकी तो थ्योरी पढ़ाएंगे तो बुझिया जाएगा। दो प्रश्न नहीं बुझाया, नहीं बुझाया तो आप पढ़ना छोड़ दो। 2% मात्र, ठीक है। अब बाकी तो फिर जब थ्योरी में जाएंगे इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।